आज गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश उत्सव पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा। अम्बाला के सभी गुरुद्वारों में सुबह से ही श्रद्धालु ने माथा टेका और गुरु का लंगर चखा। इस मौके पर पंजाबी गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान बीएस बिंद्रा ने बताया कि आज के दिन गुरु नानक देव जी ने सभी को मानवता का संदेश दिया था। आज के दिन गुरु नानक देव जी ने अंधेरे को दूर कर सारी दुनिया में रोशनी का संदेश दिया था। इसके साथ ही उन्होंने सारी दुनिया को मानवता का भी संदेश दिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज सिख धर्म के बानी तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। आज के दिन महाराज ने अंधेरा छुपया और सारी दुनिया में रोशनी का संदेश दिया और धर्म कार्यों के लिए तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने जो अपने जीवन काल के बहुत सारे उदासियां और भ्रमण किया लगभग सारे दुनिया का और उन्होंने मानता का संदेश प्रदान किया और दुनिया नू काम क्रोध लोभ अहंकार तो बचने लिए और किरत करना वंड छकना इदा संदेश दिता। उन्होंने सच्चा सौदा सच व्यापार करन दा भी जो अपना उपदेश है फैलाया। 20 रुपया का जो उन्होंने सच्चा सौदा गुरु का लंगर जो उन्होंने पिता जी ने दिता सी वो अज करोड़ा अरबा रुपये का गुरु का लंगर सारी दुनिया चल रहा है। ये तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी की चलाई हुई सिख धर्म जिसन बाद चो तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के रूप में अब सारे देश के सारी दुनिया के मानवता का संदेश दिता जाता है क्योंकि गुरु नानक देव जी कुल दुनिया में हर धर्म कोई उन्होंने लामा कहता है कोई दरवेश कहता है कोई पीर कहता है कोई फकीर कहता है गुरु नानक ने दुनिया को भरमा के बीचों भी खत्म किया। जो अजक देखे हो तुम उस समय उन्होंने रोण रखा और तिया का जो उन्होंने जो अज असी देश सारा साढ़ा उपदेश कर रहा है ये गुरु नानक देव जी ने उस तरह कहा कि साढ़े समाज भी तो ये कुरीतियाँ दूर होनी चाहिए। तो गुरु नानक देव जी एक ऐसी शख्सियत हो जिन्होंने कुल दुनिया हर संदेश अपने जीवन काल के भरमा तो दूर होकर एक अकाल पुरख की पूजा करो ये संदेश दिता। मैं भी सारे अम्बाला छावनी दे गुरु नानक नाम लेवा नूं अज वधाई दिंदा हाँ और यही बेनती करता हाँ कि असी उन्हां दे पाए हुए पूर्णियां ते चल के सारे देश में सुख शांति का संदेश देिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरू।